बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जी एस साकी हूँ। आज 1 अगस्त 2024 का दिन है और सुबह के 9 बजे है। नाजरीन, तमाम दरियाओं और मौसम काल से आपको अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि एक बारिश डेवलपमेंट है जो कि अगले 3-4-5 रोज रहेगी। वैसे तो 1 से 6 अगस्त तक कहा जा रहा है, लेकिन उसका जो जोर है वो 3-4 रोज अगले जो है उसमें रहेगा। बहुत ही अहम इसलिए है कि अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, मुख्तलिफ नदी नालों में तुफानी आ सकती है, सिंध में शदीद किस्म की बारिश हो सकती है 100 मिलीमीटर से लेकर 200 मिलीमीटर तक। और जो भारतीय बारिश पहले जब वो पंजाब में दाखिल बल्कि हो चुका है, और अगले 24 घंटों में भी एक ताकतवर स्पेल है जो पंजाब में दाखिल होगा और बारिश बरसाने का सबब बनेगा सिंध में भी, तो वो जो कहा जा रहा है कि 100 मिलीमीटर से लेकर 200 मिलीमीटर तक बारिश भी होगी और उसमें बिजली भी कड़केगी। यानी वो एक जानदार जो एक बारिश सिलसिला है और यकीन वो बारिश बरसाने का सबब बनेगा। और जो खासकर जनूबी पंजाब या कुछ वस्ती पंजाब के ऐसे इलाके भी हैं जिसमें इस सीजन में बारिश हुई नहीं है कि बादल आते हैं इधर से उधर गुजर जाते हैं, तो मतलब एक बादलों की आनियां जानियां थी और कहीं जम कर बरसे हैं, लोगों को राजी कर गए हैं, तो इस तरह की सूरत हाल है। मिला जुला सा एक जज्बात की कैफियत है तमाम दोस्तों की। तो अभी जो बारिश स्पेल है यकीनन ये पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद किस्म की बारिशें बरसाने का सबब बनेगा। दूसरी अहम बात के दरिया सिंध में जो एक 3 लाख क्यूसेक के करीब वो पहुंच रहा है, जो कि सलाबी रेला है, यानी आप कालाबाग चश्मा पर उसको 3 लाख के करीब पहुंच चुका है और पीछे थोड़ा कम कर दिया गया त्रिबेला डैम से, लेकिन उसका लेवल ऊपर जा रहा है और कैचमेंट एरियाज में शदीद किस्म की बारिश के इम्कान है और हो भी रही है और उसका जो इनफ्लो बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बन सकती है, मजीद उसमें इजाफा हो सकता है, वो भी सारी डिटेल बताऊंगा। दूसरा, हिमाचल प्रदेश में शदीद किस्म की बारिश है। मंडी में अभी मैं जो मुख्तलिफ ज़राए हैं भारतीय पंजाब के मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल या मुख्तलिफ फेसबुक पेज वहां से देख रहा था, वो बता रहे थे कि, और कल भी मैंने आपको बताया था, हमारे अपने इदारे ने बताया था कि सतलुज के कैचमेंट एरियाज में हैवी बल्कि एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल, उन्होंने लिखा था शदीद किस्म की बारिश। अगर ये उसी तरह का बादल फटते हैं या वही सूरत हाल बनती है जिस तरह से गुज़श्ता साल इन्हीं अगस्त के पहले हफ्ते में इस तरह की सूरत हाल बनेगी बनी थी, और उसके बाद फिर 17 और 18 अगस्त के दरमियान शब दरिया सतलुज में कम तकरीबन 3 लाख क्यूसेक का सलाबी रेला पाकिस्तान में दाखिल हुआ था, उसी तरह की सूरत हाल बनती जा रही है। लेकिन अभी कोई फिलहाल खतरा नहीं, ना कोई वारने के कुछ भी नहीं है सतलुज ब्यास में। रावी की जो सूरत हाल है वो ये है कि उसमें भी कोई खतरा तो नहीं है, नदी नाले में तुफान नहीं आ सकती। ये सारी डिटेल भी मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ, आपसे गुजारिश भी कर रहा हूँ कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सुबह में वो इसको सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया, और न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। अब जो बारिशों का ये सिलसिला है ये तो रहेगा कम अज कम 3-4 रोज। अब लाहौर से इतलात आ रही है, दीगर बहुत सारे कसूर में वगैरह से आबादल है, यानी उसके साथ, और फिर ये बहावल नगर, बहावलपुर, ये सारी पट्टी, क्योंकि बहावलपुर डवियन में, बहावलपुर रहीम यार खां, बहावल नगर आते मुल्तान में, मुल्तान बिहारी लोधरा खानेवाल, इसकी भी पेशगोई की जा रही है, साहिवाल में साहिवाल, पाक पतन उखाड़ा, यहाँ पर लाहौर में लाहौर शेखुपुरा कसूर है, फिर आगे गुजरावाला में गुजरावाला, नारोवाल, सियालकोट, हाफसाबाद, अच्छा फिर गुजरात में गुजरात, वजीराबाद, मंडी, बहाउद्दीन, इस तरह की सूरत हाल। अब सारी डिटेल फैसलाबाद में फैसलाबाद, जांग चिनियोट और टोबा टेक सिंह है, सरगोधा में सरगोधा वाली, खुशाब बकर, और रावलपिंडी में रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, जेलम, और क्या है, शायद कोई मैं नाम भूल गया हूं, तो चले खैर। अब इसकी तो ये सारे पंजाब की तकरीबन, और डीजी खान डिवीजन में डीजी खान है, डीजी खान मुजफ्फरगढ़, लैया, कोटद्दू, राजनपुर और तो सत मेरे ख्याल में अभी बना नहीं है, वो बन रहा था, तो इन सारे इलाकों में बारिश का इम्कान है अगले चंद रोज तक, 3-4-5 रोज तक। और बाकी सिंध भर में, सिंध में मशरकी सिलसिला भी है, मगरबी सिलसिला भी है, तो वो कराची में भी मौसम मुतदिल रहेगा, बारिश का इम्कान है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा, अपर कैचमेंट एरियाज में। अब मैं दरियाओं की डिटेल बताता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे अकाब में बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि जी आप थोड़ा सा दरिया पर जाया करें, 5-7 रोज हो गए, क्योंकि हमारे जो आगे के जो दोस्त वहाँ पे रबते में रहते हैं, यानी कबीरवाला से आगे जो बंदबोसन का इलाका आता है, मुल्तान आता है, फिर आगे शुजाबाद, जलालपुर, पीरवाला, आगे अलीपुर, मुजफ्फरगढ़ के साथ रियासत में ये शामिल हो जाता है। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि 25,000 क्यूसेक बल्कि 30,000 क्यूसेक दरिया चनाब का इसमें आ रहा है अपना त्रिमु बराज से, और 6600 या 7000 समझ लें रावी का, वो भी साथ इसमें यहाँ पर मिलती है, तो ये 37,000 आगे की तरफ जा रहा है।
अभी अभी ये जो है ये तकरीबन 25,000 जो इस वक्त जा रहा है और 12-14,000 इसके ऊपर आएगा, वो अभी वहां पे उसका लेवल ऊपर गया तो उसके बाद वो इसमें शामिल हो जाएगा, तो 37 या 40 हजार बन जाएगा थोड़ा और ज्यादा। तो बहरहाल ये कोई पानी नहीं है, आपने कहा, मैंने आपको लाइव भी बता दिया और सारा आपको मैंने मंजर बता दिया। अब दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। त्रिबेला डैम का जो लेवल है उसको और उसका आज 1532 हो जाएगा, वो 11-12 बजे उसको अपडेट करते हैं और उसमें जो इजाफा मुसलसल हुए जा रहा है उसका ये होगा कि बाद में अगर इनफ्लो इससे बढ़ता रहता है तो फिर बहुत बड़े सैलाब का पेश खेमा ये साबित हो सकता है जो ऊपर की तरफ उसको लेके जा रहे हैं। और इस वक्त क्या सूरत हाल है ये भी मैं साथ बताता हूँ और बाकी दरियाओं को मैं डायरेक्टर शेयर कर दूँ और फिर सिंध की बात करते हैं आखिर में। और ये सिंध के सारे नाजरीन के लिए ये सुनना भी जरूरी है, ये सारा पानी उधर ही जाता है, आप ही की तरफ जाता है। दरिया सतलुज में वही लेवल है गंडा सिंह वाला पर, यानी 1014 क्यूसेक, सुलेमानकी पर 4148 और इस्लाम पर 1277 क्यूसेक। दरिया रावी में जस्सा पर 5507। अच्छा, रावी में अभी कोई सैलाब का इम्कान नहीं किसी किस्म का, बारिश वगैरह तो हो रही है, कोई बनेगा भी तो बाद में बनेगा, अभी नॉर्मल है। कल उन्होंने एक लिखा था कि लो फ्लड हो सकता है अपना बल्लों की पर, अब उसकी मुझे समझ नहीं आई थी, वो कुछ भी नहीं है, बस वही है, शायद उसमें कोई बारिशों का पानी का कह रहे हो या नदी नालों की वजह से उन्होंने कहा हो। चले खैर, रावी में जस्सर पर 5507 क्यूसेक, शादरा पर 14129, बल्लों की पर 12765 और सिदनई ब्राज पर 6610, ये ताजा डेटा है। दरिया चिनाब में मराला पर 43630, खान की पर 60685, कादराबाद पर 36351, त्रिमु ब्राज पर 30070 क्यूसेक और पन्नत पर 7133। दरिया जिला में मंगला डैम से जो खराज किया जा रहा है वो 10,000 क्यूसेक, रसूल पर से खराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में सकर्दू पर 1,82,000, पी ब्रिज पर यानी प्रताप ब्रिज पर 2,81,400 क्यूसेक, बिशाम पर 3,22,400 क्यूसेक, ये मैक्सिमम लेवल पर फिर चला गया। अब जो त्रिबेला डैम की जरा सुन ले अगली स्टोरी की, आपको जो जानना चाहते हैं वो सुना देता हूं मैं आपको कि आप क्या सूरत हाल बनेगी। अब देखें, त्रिबेला डैम से रात गए 2,70,000 छोड़ा जा रहा था, जब मैंने सुबह आपको रिपोर्ट किया 2,61,000 था, अब त्रिबेला डैम से उन्होंने कम कर दिया गया, वहां से कम कर दिया है, 1,70,000 क्यूसेक त्रिबेला डैम से छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 86,900 क्यूसेक, ये 1,05,000 से कम होकर 86,000 पे आ गया। अब दोनों का 2.5 लाख बनता है, आगे जो है वो आगे 2.75 लाख के करीब है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक और मैं नुकता आपको बता दूं, देखें 3,22,000 क्यूसेक त्रिबेला डैम में दाखिल हो रहा है और अब वहां से 1,70,000 छोड़ा जा रहा है, तो 3,22,000 नहीं बल्कि दीगर नदी नालों को 3.5 लाख आप करें, 3.5 लाख में 1,70,000 जमा हो रहा है, मतलब बाहर निकाला जा रहा है, 1,80,000 जो है वो वहां पे स्टोर किया जा रहा है और 1,80,000 जब 24 घंटे स्टोर हो तो 6 से 7 फुट उसका लेवल ऊपर उठ जाता है। ऑलरेडी 1532-33 तक रात वाले लेवल जो है वो जा चुका होगा, अब मजीद इसको त्रिबेला डैम का जो लेवल है वो मेनटेन रखते हैं इसी 1,70,000 पे अभी रखते हैं 24 घंटे अगले या रात गए जाकर छोड़ते हैं, तो आप समझ लें कि 5-6 फुट इन 12 घंटों में त्रिबेला 4-5 फुट ऊपर उठ जाएगा, तो आप समझ लें कि 1540 तक अगर मजीद इजाफा नहीं करते त्रिबेला डैम से अखराज नहीं करते तो फिर यह है कि अगले 12-14-15 घंटों के बाद जो त्रिबेला डैम है वो 1540 फीट तक पहुंच जाएगा, फिर सिर्फ 10 फुट रह जाएगा और 10 फुट रह जाएगा, इसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है कि अगस्त की आज 1 है और पूरे 30-31 दिन पड़े हैं और उसमें अगर बहुत बड़ा कोई स्पेल आ गया पीछे से तो फिर आगे से कितना निकालना पड़ेगा ये खुद आप सोच रहे हैं, या फिर काबुल दरिया में भी है, तो बहरहाल उनकी स्ट्रेटेजी है वो हमसे बेहतर जानते हैं। मैंने एक तेजी के साथ आपको बता दिया कि क्या सूरत हाल है। अब आगे की तरफ सुन लें, जो त्रिबेला डैम से 1,70,000, काबुल दरिया में 86,900 क्यूसेक, काला बाग पर 2,86,169 क्यूसेक, सुबह जब मैंने रिपोर्ट किया था तो 2,77,000 था, 10-12,000-15 का आप समझ लेंगे या 9-10,000 का इजाफा हो गया। अब चश्मा पर 2,83,000 है, सुबह मैंने आपको रिपोर्ट किया 2,71,000 था, अब 2,83,742 क्यूसेक है, ये कोई इतना पानी नहीं है, लेकिन वो नदी नालों में जो इस तरह के बेट में लोगों ने काश की होती है फसलें, उनकी चीखों पुकार होती है, खर्चे होते हैं लोगों के, लोगों ने काश कर ली होती है क्योंकि महंगाई है, बहुत ज्यादा मसाइल होते हैं। बहरहाल अब तौसा बिराज पर 1,94,765 क्यूसेक, गुड्डू पर 1,43,000, सक्कर पर 79,000 और कोटरी पर 36,000। अब जो आपका सवाल ये है कि तौसा और गुड्डू पर कितना बनेगा, ये आपका सवाल है, यही सवाल आप अमूमन पूछते हैं।
देखिये तौसर गुड्डू पर जो चल रहा है भाई 2,83,000 चश्मा पर है, ये 2,86,000 काला बाग पर और कुछ और नदी नालों का, ये 3,00,000 आप समझे, तो 3,00,000 जो है वो चश्मा से तौसा के दरमियान 50,000 तो जाये हो सकता है, 2,50,000 क्यूसेक बनेगा, क्योंकि तौसा पर जो पहले 2,00,000 कुछ 46,000 या 50,000 के करीब 2,50,000 जो चश्मा से चला था वो तौसा पर बना था 2,05,000, अब 3,00,000 चल रहा है तो 50,000 और ऐड कर लें तो 2,50,000 यानी 2,50,000 क्यूसेक बनेगा, जो यही चल के आ रहा है पीछे से ना आए। और अगर नदी नालों का ऐसे में पानी आ गया डीजी खां के नदी नालों का, क्योंकि अगले 4-5 रोज बारिश है, फिर तौसा से गुड्डू के दरमियान लोगों के लिए बड़ा मसला बनेगा, कोई सुलेमान का पानी आ सकता है, फिर गुड्डू जो है वो पहले वाला जो पानी था जो 2,50,000 क्यूसेक चश्मा से चला था वो तौसा पर जो है 2,05,000-06,000 बना था, फिर गुड्डू पर वो कितना बना था 1,60,70,75,000 के करीब कामो बेश बना था। अब जो है वो गुड्डू 2,50,000 पे जाता है तो फिर तौसा जो तौसा 2,50,000 पे जाता है तो फिर गुड्डू कितने पे जाएगा, वो जाएगा उसमें 40-50 और जमा कर लें यानी 2,05,000-10,000 पे, उसमें ये पानी भी चला जाएगा, ये भी 25-30,000 तब तक वहां पे पहुंच जाएगा और वो भी। तो ये सूरत हाल ये है कि गुड्डू 2,25,000-2,50,000 तक गुड्डू भी जा सकता है, क्योंकि नदी नालों का पानी अगर यही अगर पीछे से बारिश गैर मामूली हो जाती है, जिस तरह से इनफ्लो 3,50,000 है और ये अगले 2-4 रोज तक रहता डैम तो भर जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, या फिर इनको 3,00,000 छोड़ना पड़ेगा वहां से। तो बहरहाल मैं आपको अपडेट करूंगा, अब आपके हर सवाल का मैंने इसमें जवाब दे दिया, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।